माय नेम इज राजेश्वरी माने, मैं मुंबई से हूँ। मेरी इंजरी 10 साल पहले हुई थी, जब मैं मुझे पता चला मेरे मॉम को कैंसर है। बहुत लंबा जर्नी रही है मेरी, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। लेकिन लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो आया मेरा जब मैं नीना फाउंडेशन से मिली। बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर आने के लिए मुझे नीना फाउंडेशन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब मैं बता नहीं सकूँगी, बताने जाऊँगी पूरी मतलब 3-4 घंटे बीत जाएंगे, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको। बहुत कम है, वर्ड्स भी कम है एक्सप्लेन करने में। सच में समझ में नहीं आ रहा है ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई। मैं नीना फाउंडेशन से मिली 5 साल पहले मैं नीना फाउंडेशन से मिली। जब मैं नीना फाउंडेशन से मिली, मेरी मैं उस वक्त, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन क्या थी उस वक्त, ताकि आपको समझ में आ सके। मैं उस वक्त मैं फिजियोथेरेपी में, मैं 5 साल घर में रह चुकी थी और मैं मॉम और डैड दोनों की डेथ हो चुकी थी उस वक्त। मैंने बहुत हिम्मत करके मैं हाजिरी गई, वहाँ पे फिजियोथेरेपी की, वो 3 महीने वहाँ पे रही। बहुत ज़्यादा मुझ में सुधार भी आया था। आई वॉज एबल टू वॉक, आई वॉज एबल टू क्लाइम स्टेयर्स, बहुत ज़्यादा स्टेमिना आ चुका था, एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि नहीं भाई, बाहर अब मैं घर जाऊँगी वापस, तो मुझे 5 साल वापस मेरे बेस्ट, जिस तरह मैंने 5 साल वेस्ट किए, आगे के लाइफ मेरी वजह से वेस्ट नहीं हो जाएगी। मैं अपनी एजुकेशन कर पाऊँगी, मैं अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करने के साथ मैं बाहर जा पाऊँगी, अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। लेकिन जब मैं वापस आई तो सिचुएशन टोटली चेंज थी। मुझे लगा था कि मैं जिस तरह से मैं हाजिरी में 6 फुट के स्टेयर चढ़ पा रही हूँ या जब कुछ कर पा रही हूँ, उस तरह से मैं नॉर्मली यहाँ पे भी कर पाऊंगी। 3 महीने अपने 3 महीने में वहां पे रही, मुझे पता है कैसे रही, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं था, बस मेरा भाई जो उस वक्त बहुत छोटा था, वो 10 साल का था और मैं 10-12 साल का था और मैं थी, बस हम दोनों ही थे वहां पे। जब यहाँ पे आई तो सबसे पहले धक्का था यार, 4 मॉर्निंग, ये मेरा घर 4th फ्लोर पे है तो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे, मतलब कॉन्स्टेंटली बोलने से या एवरी डे नीचे ऊपर जाना या हर कोई छोटी भी चीज़ जाने के लिए नीचे ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं था। एक हाथ में क्रच, ठीक है कि नीचे उतरना मेरे लिए पॉसिबल था, ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं आगे गई, जॉब इंटरव्यू देने के लिए गई। या थोड़ा बहुत तो मुश्किलें आती हैं, सबको पता है अगर हम कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो, ठीक है। इंटरव्यू में गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे भी कुछ भी एक्सेसिबल नहीं था। एक क्रच हाथ में लेने के बाद एक हाथ मुझे एक बार या एक पकड़ने के लिए चाहिए, जिससे मैं इसको पकड़ के मैं हॉप कर सकूं या मैं चढ़ सकूं। बट हमारा इंडिया जिंदाबाद, कुछ भी नहीं था वहां पे। मैं चढ़ नहीं पा रही थी, मैं उतर नहीं पा रही थी, 3-4 लोग चाहिए हेल्प करने के लिए। उस वक्त मेरे पास व्हीलचेयर भी अवेलेबल नहीं थी, मैं सिर्फ क्रचेस पे चलती थी, तो कोई चाहिए मुझे पकड़ने के लिए, उतारने के लिए। इंटरव्यू में मैं अच्छे से मैंने ये कर लिया, इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे जॉब नहीं मिला, क्योंकि मैंने कहा कि आपके लिए हर बार कोई अवेलेबल नहीं रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। इट्स हमारे, हम काम छोड़ के आपकी हेल्प नहीं कर सकते, मुझसे ये कहा गया था। इंटरव्यू में क्रैक करने के बाद भी, इंटरव्यू पास करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली, जस्ट बिकॉज मेरे क्रचेस की वजह से। बहुत बुरा लगा, अलग से लगा कि मेरा एक बहुत डिस्करेज हो गई मैं,
फिर भी नहीं गई। मैंने सोचा कि मैं कोई बड़ी कंपनी में अप्लाई करती हूँ। अब बड़ी कंपनी में अप्लाई करना है तो वैसे आपकी एजुकेशन भी होगी, वैसे आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। और मैंने जस्ट सिर्फ SSC कंप्लीट की थी, क्योंकि SSC के वक्त ही मेरी इंजरी हुई थी, तो उसके आगे मैं पढ़ाई कर नहीं पाई थी। ये मेरे मोम का कैंसर की वजह से मेरे 5 साल भी वेस्ट हो चुके थे। किसी तरह से किसी की हेल्प लेकर, मेरे फियांसे की, मेरे उस वक्त मेरे फियांसे जस्ट मेरी लाइफ में आए थे, उनकी हेल्प लेकर मैंने किसी तरह से HSC कंप्लीट की। 6 महीने 3 महीने क्लासेस गई, 3 महीने गई नहीं, कुछ भी करके एक बार SSC कंप्लीट कर दी। HSC कंप्लीट कर दी। HSC कंप्लीट करने के बाद पता चला कि फिर मैंने जॉब पे गई, लेकिन मुझसे उस वक्त भी वही प्रॉब्लम कि मुझे नीचे उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए एवरी क्योंकि नीचे उतारना आसान था, मैं नीचे उतर सकती थी, और ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मतलब वो चीज़ ही पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए, ऊपर चढ़ना ये चीज़ ही पॉसिबल नहीं थी। इतनी बॉडी थक जाती थी, इंसान एक माला चढ़ सकता है, हम 2 कर सकते, 4 माले कॉन्स्टेंटली, वो भी कोई भी मौसम हो, बारिश हो, बहुत सारी चीज़ें थी, फिसलने का डर था, सब कुछ था, रिस्क नहीं ले सकती थी। ऑलरेडी ये हालत है, इसके आगे और अपनी कुछ हड्डियाँ नहीं तोड़वानी बस, बट जॉब तो चाहिए, फाइनेंशियली सेटल होना है, कुछ भी करना है, कैसे घर चलेगा। ठीक है, इस वक्त तक मतलब दिमाग बस एक ही चीज चल रही थी कि जॉब चाहिए बस। उस वक्त नीना फाउंडेशन मेरी लाइफ में आई। नीना फाउंडेशन आई भी वो भी एक ऐसा, मेरी जिस जब मैं हाजिरी में थी तो मेरी एक रूम पार्टनर थी निकिता वलेचा, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताई मेरी प्रॉब्लम, ऐसे फ्रेंड्स में शेयर करते, वैसे मैंने उनसे भी शेयर किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जॉब की कितनी भी जिद हो, आपको आप पता है कि आपका ये गोल है, ठीक है, आप में पूरा जिद है, आपको करना है, विल पावर है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन गोल को पाने के लिए, गोल की तरफ बढ़ने के लिए भी आपके पास एक रास्ता होना चाहिए, और वो रास्ता मेरा रीना फाउंडेशन बना। दिमाग में एक ही चीज कॉन्स्टेंटली चल रही थी, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, सेटल होना है, कैसे भी करके फाइनेंशियली सेटल होना है, कुछ भी हो जाए किसी के पास हाथ नहीं फैलाने हैं, मुझे मेरा जॉब चाहिए। कोई भी आपको हेल्प करेगा, आपको 1 साल हेल्प करेगा, 1 महीना हेल्प करेगा, 1 हफ्ता हेल्प करेगा, उसके आगे सब लोग धीरे धीरे ही सही पीछे होते जाएंगे। रिश्तेदार का तो छोड़ो ही तो, लेकिन दूसरे लोग भी, लकी ने मेरे रिश्तेदार ने मेरी कभी हेल्प नहीं की, लेकिन मेरे लाइफ में जो बंदा आया, जो बंदे आए या जो लोग आए, सब ने सिर्फ मुझे दिया ही है, किसी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उन्होंने मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में मेरी हेल्प ही की, सीढ़ी ही मतलब सीढ़ी बन गए वो, मुझे खुद को अपनी मेरे एक कुछ भी हो, आप एक बार निकल जाते हो ना तो आपको लोग हेल्प करते ही है, आपकी इरादे देखकर, आपकी विल पावर देखकर, आपको कॉन्फिडेंस देखकर लोग आपको हेल्प करते ही हैं। जब मैंने नीना फाउंडेशन पे पहली बार कॉल किया है, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि नीना फाउंडेशन क्या है, मैंने कभी ऐसे ट्रस्ट के बारे में सुना नहीं था जो SCS के लिए, SCS भी मुझे तब पता चला कि हम जो स्पाइन कॉर्ड इंजरी जिनकी होती है वो एक SCS में आते हैं, वो भी मुझे पता नहीं था। मैं सब के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक डिसेबिलिटी होती है, कोई पोलियो होता है, कोई हैंडीकैप होता है, किसी की स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, कुछ बस इतना ही पता था। SCS का इशू इतना डीप होता है, उसके बारे में इतना रिसर्च की जाती है, इतने सारे लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं उस वक्त। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नीना में कॉल किया, केतना मैम को मैंने कॉल किया, केतना मैम को कॉल करके मैं कंटिन्यूस तो उनको अपनी प्रॉब्लम बताए जा रही थी, आधा घंटा कॉल पे थे हम,
मैम ने मेरी सारी बातें सुन ली, उन्होंने मैंने उनको सब बताया और लास्ट में उन्होंने बस एक ही चीज कही, अजीशोरी यू आर वेरी स्ट्रांग गर्ल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमसे जितना हो सकता है उतना करें, बस वो एक चीज। और आज 5 साल ना फाउंडेशन मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़ी है हर जगह पे, कितना मैम खुद नहीं तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे दिए। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे घर पे दूसरे ही दिन उन्होंने मेरे घर पे फिजियोथेरेपिस्ट भेजी जिनका नाम डॉक्टर सिद्धि था। वो आई, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, यहाँ तक मतलब उन्होंने मेरी एक्सरसाइज करने में हेल्प की, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि नहीं जॉब चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए जॉब चाहिए। उनको भी मैंने ये कहा कि आप मुझे बिना से हेल्प भी आई, फाइनेंशियल हेल्प भी आई, ठीक है, लेकिन दिमाग में था कि नहीं फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। डॉक्टर सिंह ने खुद अपने पॉकेट मतलब खुद उन्होंने अपने खुद के खर्चे से भी मेरी उस वक्त हेल्प की, लेकिन मैंने उनको भी एक ही चीज़ कह रही थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसों से मेरी एक भी हेल्प कर लोगे, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं खुद अपने पैरों पे पैरों पे खड़ी हो सकूं, मैं खुद अपने, मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लकीली डेस्टिनी ने भी साथ दे दिया उस वक्त। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी थी कि मैं मुझे अगर उनको भी समझ में नहीं एक्चुअली आ रहा था कि इसको जॉब दे तो कैसे दे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नीचे चढ़ना ऊपर आना है, नीचे उतरना ऊपर चढ़ना है, तो कैसे इसकी हेल्प करें हम। तो लकीली उस वक्त एक जॉब की ओपनिंग थी, जो ऐसा जॉब जो घर से हम कर सकते थे अवेलेबल था। डॉक्टर ध्रुव मेहता ने डॉक्टर सिन्नी थ्रू मेरे पास एक मेल भेजा और उस मेल के थ्रू मुझे पता चला ऐसा एक जॉब है जो मेरे लिए है, मेरे लिए परफेक्ट है, जो मैं घर बैठे किसी की हेल्प लिए बगैर, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जो चीज़ कहते हैं, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हो, ऐसा जॉब मुझे मिला। किसी लॉटरी खुलने से बड़ी चीज़ नहीं थी वो मेरे लिए, लिटरली वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था नीना की तरफ से मुझे, वो मेल अगर नहीं होता तो मैं आज पता नहीं कहाँ क्या कर रही थी, भगवान जाने। तो वो मेल क्रैक कर लिया, मेल से मेरे रेज्यूम्स मेरा सब कुछ उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, मेरे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, मैं पास हो गई, मुझे जॉब मिल गई, यकीन नहीं हो रहा था। मेरा रेज्यूम बनाने तक मुझे रेज्यूम भी पता नहीं था कि प्रॉपरली कैसे बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी डॉक्टर सिमी ने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे रेज्यूम बना कर दिया, ठीक है, जॉब मिल गया, लेकिन फाइनेंशियली अब थोड़ा कैसे करूँ मैं फाइनेंशियली, अभी एक महीना तो जॉब करूँगी उसके बाद सैलरी आएगी, बस तब तक घर कैसे चलेगा। उस वक्त इतना डॉक्टर सिनी समझ गई, उन्होंने शायद कितना मैम से बात की और कितना मैम ने फिर मेरे घर पे मेरे एक मेल भेजा उनको कि मुझे थोड़े दिन सही बस आप थोड़ा दिन अब मुझे संभाल लीजिए। कितना मैम ने उस वक्त भी मुझसे हम दोनों ने उसे को नहीं देखा था, जानती भी नहीं थी कि मतलब मैं कैसी हूँ क्या हूँ, एक्चुअली मेरी कंडीशन कितनी खराब है, उन्हें कुछ भी जानने की इतना ये नहीं किया, बस मेरी बातों पे भरोसा करके मुझ पे भरोसा करके उन्होंने मुझे मेरी फाइनेंशियल हेल्प की। दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट, घर से बाहर 2 साल हो चुके थे, घर के अंदर कैद थी मैं, बाहर ही नहीं जा पा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी एक्सेसिबल नहीं था उस वक्त, मतलब मुझे एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी एक्सेसिबल नहीं, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बनी है, कहाँ जाऊँ मैं जाके, ठीक है। तो एक दिन मुझे डॉक्टर सिनी ने बोला बताया कि नीना फाउंडेशन में हर साल एक प्रोग्राम होता है 25 जून,
तो 25 जो प्रोग्राम होता है, तुम जाओ वहां पे, कितना मैम से भी मिलो, कि अब तो कितना मैम से सिर्फ मेल थ्रू ही बात हो रही थी, मुझे भी लगा नहीं मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कितना मैम से मिलने के लिए, मैं उनको मिलकर उनसे थैंक यू बोल सकूं कि मैं एक्चुअली हंस इसलिए रही हूँ कि जब मैं निडा फाउंडेशन में पहुंची तो मुझे उस वक्त मैं मतलब मुझे किसी को जानती नहीं थी, लेकिन प्रोग्राम खत्म होते होते इतने सारे दोस्त मिल गए, इतने मेरी तरह इतने सारे लोग मिल गए, और मैं उनसे वो उनसे उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। और मैं जब मेन चीज के लिए आई थी, केतना मैं उनसे मिलना था, मुझे मैं वही भूल गई, मुझे उनसे मिलना है करके, मैं उन लोगों के एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे जाने का इतना अजीब लग रहा था कि मेरी तरह इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हैंडीकैप्स हैं, और हैंडी मतलब स्पेशली एबल्ड लोग इतने सारे हैं, और अपने अपनी फील्ड में कोई अपनी अपनी फील्ड में सब आगे हैं, खुद से ड्राइव करके यहाँ आते हैं, किसी का जॉब है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में सुन के मुझे लगा था कि यार मैं अब तक इतना क्यों डिस्करेज फील कर रही थी। मतलब होता है ना, किसी से आपसे बेहतर आप किसी से मिलते हो, सेम कंडीशन में हो, लेकिन वो बंदा, हम दोनों सेम कंडीशन में, लेकिन वो बंदा अपने ऑब्स्टिकल्स को पार करके कुछ एक अलग लेवल पे जा चुका है। उन लोगों फ्रेंड्स मिले, ये सेकेंड चीज थी, मुझे नीना फाउंडेशन के से मुझे फ्रेंड्स मिले, उन फ्रेंड्स ने सब मिलकर, महेंद्र जी हो या मेरे बाकी के बहुत सारे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त कि मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में कि मुझे हर जो भी मेरे लाइफ में आता है मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाता है, मेरे लिए कुछ करके ही जाता है वो बंदा। तो वो सब मयंक जी, बाकी के लोग, बहुत सारे लोग मिले मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि कैसा एक्सेसिबल नहीं भी है तो हम कैसे वहां पे चले जाते हैं, कैसे खुद ड्राइव करते हैं, कैसे हर जगह हम मिलते हैं, एक गेट टुगेदर होता है, जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं जो है हम हैंडीकैप होकर भी हम हमारे लिए नहीं बनी है, हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं, हम पार्टी कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर वी वांट, ठीक है। हमारे लिए हमारा हैंडीकैप होना हमारी मजबूरी नहीं है, हम उसे अपनी चाहे तो हम उसे अपनी ताकत भी बना सकते हैं। ये चीज मुझे मेरे फ्रेंड्स ने समझाई, उन्होंने दिखाई, उनसे ने मैंने सीखी, ये थी सेकेंड चीज। थर्ड सबसे में और सबसे बड़ा गिफ्ट ने कितना मैम खुद हर बार अवेलेबल नहीं हो सकती, उन्हें इतना मंडीना फाउंडेशन संभालना है, उतनी सारी रिस्पॉन्स, मेरी तरह हजारों लोग हैं जो कहाँ कहाँ से बेचारे कहाँ कहाँ से आते हैं कितना मैम के पास हेल्प के लिए, उन सबको उनको ध्यान देना है। तो उस वक्त मेरे लिए ऊपर कि मेरे मैं अभी भी सेटल्ड नहीं हूँ, मुझे किसी न किसी की जरूरत है इस वक्त, तो उस वक्त उन्होंने मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए एक बहुत बड़ी एंजल मुझे दी, उनका नाम था नेहा पारे, शी वॉज लाइक सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। उन्होंने मेरी मतलब कहता मैम खुद अवेलेबल नहीं रह सकती थी, मेरा सिर्फ मेरा ध्यान रखने के लिए मैं नेहा पारे जी से कहा, नेहा जी से कहा, नेहा मैम से कहा कि आप इनका ध्यान रखिए, और मैं सच कह रही हूँ नेहा मैम ने मेरा इतना ध्यान रखा, कोई बहन कोई मेरी फैमिली ने, मेरे खुद के भाई ने या मेरे खुद के रिलेटिव में से कोई आगे आके जितना मेरा ध्यान नहीं रख सके, उन्होंने मेरा मुझे मेरे बहुत सारे मेरे मेरे रूम की कोर्ट केस थी, मैं कभी कभी फाइनेंशियली एक सैलरी होती है, मेरी सैलरी बहुत कम है, तो बहुत टाइम होता था कि पैसे कम पड़ जाते थे, तो वो मुझे हेल्प करती थी हर जगह पे, जहाँ जहाँ मेरी प्रॉब्लम जहाँ, और मैं ऐसी लड़की हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम से घिरी हुई रहती हूँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई वहाँ वहाँ मेरी हेल्प कितना मैम इना फाउंडेशन ने की, नेहा मैम ने की, कितना मैम ने की, हर जगह पे मैं गिरी हूँ और उन्हें संभला है, मैं गिरी हूँ और उन्होंने मुझे संभला है। तो ये जो तीन चीजें थी, जॉब, मेरी मेरे दोस्त जो उन्होंने जो मुझे कितना नेहा फाउंडेशन से मिले, और सेकंड
नेहा मैम माई सिस्टर, शी इज़ लाइक माई बिग सिस्टर, वो ये तीन चीज़ें मेरी लाइफ टाइम की इनकम, लाइफ टाइम का गिफ्ट था मुझे। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे केता मैम की ज़रूरत पड़ी। केता ने कभी ऐसे नहीं कहा कि बस यार तुम हर बार मेरे पास आती हो, मुझे व्हीलचेयर चाहिए थी तो व्हीलचेयर अवेलेबल, व्हीलचेयर चाहिए जब प्रॉब्लम हुई, व्हीलचेयर नहीं थी मेरे पास तो व्हीलचेयर अवेलेबल करके थी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे जब देखी भी नहीं थी तब ये सारी चीज़ें मेरे लिए की, सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा करके, मुझ पर भरोसा करके। जितना बोलूंगी उतना कम है, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि अगर नीना फाउंडेशन में कोई आता है, कोई भी जेन्युइन बंदा, सच में आप खाली हाथ नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है। अगर आप सच में आपकी आवाज़ सुन के ही कितना नीना फाउंड कितना मैम नीना फाउंडेशन आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहेगी। आई एम रियली थैंकफुल, जितना मैं थैंक्स कर सकती हूँ अभी तो मैं बहुत ज़्यादा, इतना मतलब मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता, ठीक है, भले हम भूल जाए ठीक कि केता मैम को मैसेज करना, नीना फाउंडेशन में आना, प्रोग्राम्स में प्रोग्राम अटेंड करना, लेकिन केता मैम कभी आपको नहीं भूलेगी, वो हमेशा आपको याद रखेगी, हमेशा आपके बारे में कि तुम कैसी हो, तुम कहाँ हो। आई एम रियली थैंकफुल कि मैं नीना फाउंडेशन की मेम्बर बन चुकी हूँ। मैं आई एम रियली थैंकफुल एवरी पॉसिबल वे मैं उसका भी जितना थैंक्सफुल उतना कम है। मैं मुझे सच में वर्ड्स भी नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलना, स्टार्ट करते वक्त वर्ड या वीडियो स्टार्ट किया तब वर्ड्स मिल रहे थे, जब वीडियो ख़त्म किया ना तब बड़े मिल रहे हैं। बस इतना कहूँगी आई एम रियली थैंकफुल नीना फाउंडेशन, एवरी पर्सन जो नीना फाउंडेशन के थ्रू मेरे लाइफ में आए, आप लोग मेरे लिए रियली किसी ड्रीम से कम नहीं हो। आई वॉन्ट टू प्रिजर्व यू फॉर माई एंटायर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।